बट कैन यू से हैप्पी बर्थडे। ये हमारा गेस्ट बेडरूम है, तो ये है लाइब्रेरी। ये जो घरों में गिफ्ट आते हैं तूने सेव करा हुआ है सारा? नहीं नहीं, ये मेरा प्लेइंग एरिया है, ये मेरा टेंट है। हमें नहीं समझ आ रहा क्या हुआ है। तो बाकी जी मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी कल हुई है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इट्स आज गर्मी की हद है भाई साहब, कितना टेम्परेचर है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग सब? एंड वेदर तो बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा। ऑनेस्टली अगले हफ्ते हद की भी हद है, लेकिन इस हफ्ते स्टिल ओके आई वुड से। लेकिन स्टिल कोई मतलब अब गर्मी गर्मी है। एंड यू गाइस इट्स द वेदर इज 30 प्लस, इट्स गोइंग टू बी 30 ओवर 30 एवरी डे नेक्स्ट वीक। और आज मिला के आज 29 है, आज सैटरडे है, आज गाइस आज 29 है, संडे 29 है, एंड देन नेक्स्ट वीक इज ओवर 30 प्लस, ब्लू स्काई, नो विंड एवरी डे। सो नेहा जी मस्ट बी वेरी हैप्पी कि इनके प्लांट्स को कोई खतरा नहीं है, दे विल गेट एम्पल हीट, यस एंड नो विंड, नो विंड। सो नो वी डोंट वांट टू हियर योर सॉन्ग। और बंद कर यार, आइए कॉपीराइट आ जाएगा बेटा। ये हमारा जी टिपिकल वीकेंड रूटीन है, हमारी कॉफी बन रही है और ये देख रहे हो आइए ने अपना क्रोसॉन्ट फिनिश नहीं किया, आधा क्रोसॉन्ट छोड़ दिया, ये ऐसी करती है रोज। आइए ने लेकिन दो भी खाया ना, एक टोस्ट खाया है। आ गई मम्मा बचाव में आती हुई अपनी पुत्री की, मम्मा बेचारा माँ का हृदय। बस अब मुझे ये लग रहा है कि अगले हफ्ते यू आर बैक टू वर्क बट जाना लेकिन सिर्फ 30 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। थर्सडे को फिर से July 1st कनाडा इंडिपेंडेंस डे, सेकंड को हमने छुट्टी ली हुई है, एंड थर्ड एंड फोर्थ तो वैसे सैटरडे संडे। July 1st इज कॉल्ड व्हाट? July 1st इज अ कनाडा डे। कनाडा डे क्या होता है कनाडा डे पे? फायरवर्क्स। तो पता नहीं अभी देखते हैं कनाडा डे का क्या प्रोग्राम होता है। यहाँ पे प्रेरीलैंड में बहुत अच्छे फायरवर्क्स होते हैं, प्रेरीलैंड पार्क में, तो आपको बताएंगे अगर हम गए और हम जागे इतनी देर तक। अगले हफ्ते से स्कूल बंद हो गए हैं। उन्होंने बकायदा कहा है कि खाली बैग लेके भेजना, एम्प्टी बैग भेजना और सिर्फ लंच किट भेजना, क्योंकि मूवी डे है भाई, सारा दिन पता नहीं करना क्या है, तो वापस सारा सामान भेजेंगे। यहाँ पे ना इंडोर और आउटडोर शूज होते हैं, तो इंडोर शूज भेजेंगे, इसके एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स होते हैं बच्चों के बाई चांस, फिर स्कूल की नई लिस्ट भी तो मिलेगी नेक्स्ट टाइम के लिए, वो तो बैक टू स्कूल में मिलेगी। तो यहाँ पे ना गाइस हर साल बच्चों को ना नई लिस्ट इशू करते हैं कि स्कूल सप्लाईज की जो आपको खुद लेनी होती है, वो बड़ा फन टाइम होता है। आप हर जगह वॉलमार्ट वगैरह जाओ, सारे माँ बाप बेचारे बच्चों के साथ लिस्ट ले के सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। मैं एक बार बताती हूँ आपको, ऐसा हुआ ये था, हम एक बार गए थे, हमने कहा नहीं यार सब लेते हैं, बच्चे को शौक होता है, खुद जाके लिस्ट पकड़ के हाथ में फिर जाएंगे। हम चले गए वॉलमार्ट, गाइज इट वॉज इम्पॉसिबल लिस्ट, आएगी ना तो आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो हमें पता भी नहीं क्या होता, हमारे को नहीं समझ लगती इतनी लिस्ट ना, क्योंकि देखो हमने तो पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा इंडिया में, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या चीजें चाहिए। तो जब पहली बार हमने लिस्ट देखी ना, मैंने को लगा यार पैसा बचाएंगे बिल्कुल, हम खुद खरीद लेंगे जाके, लेकिन वो लिस्ट में ऐसे ऐसी आइटमें थी जैसे नेहा कह रही है आपको, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, कौन से नाम भी अजीब से होते हैं। इस बार आएगी ना तो आपको दिखाएंगे। तो फिर हमने गिव अप, हमने आधा सामान लिया और आधा छोड़ दिया, वही बास्केट छोड़ के हम घर आ गए। अच्छा, उसमें सीजर्स को भी ये लोग बोलते हैं फिस्कर्स का लिस्ट में यही आता है लिस्ट में है ना। और तो लोग सोचते हैं कि हम ना पैसे बचाएंगे, वॉलमार्ट वगैरह में जाके खुद शॉप कर लेंगे, राइट? तो जरूर पैसे बचा लोगे आप उसमें, लेकिन बच्चे को साथ लेके जाओगे तो एक चीज की जगह वो कोई ना कोई फालतू चीज और मांग लेगा, तो खर्चा जो है ना वो हो ही जाएगा। तो उसका हमने इंतजाम ये किया कि स्कूल वाले जब आपको लिस्ट देते हैं तो साथ में दे ऑप्शन, दे गिव यू एन ऑप्शन कि इस लिंक पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, पूरा का पूरा बैग बन के घर तक डिलीवरी होके आ जाता है, और हमने वही करना है। आई एम अ बिग फैन ऑफ डूइंग दैट। इतना ओवरवेलमनेस होती है वहाँ पे, आइल्स में सामान बिखरा होता है, इतना बुरा हाल होता है वॉलमार्ट सुपर स्टोर स्टेपल्स एंड लाइक आई मीन आई थिंक लोग, कई लोग इसलिए भी जाते हैं जिनके 2-3 बच्चे हैं ना, तो और जिनका पिछले साल से सामान बचा हुआ है, तो वो यहाँ पे तो पूरा पैकेज आएगा जब आप मंगाओगे ऑनलाइन, जो जस ने बताया, तो वो ये नहीं करते पिक एंड चूज कर लो आप, वो कहेंगे ग्रेड 1 का पैकेज है, किंडरगार्टन का पैकेज है, ग्रेड 2 का पैकेज है,
तो अब जिनके पास सामान डब्बे पड़े हुए हैं बंद, जैसे पिछले साल ना बहुत सारा सामान वापस आ गया था क्योंकि कोविड के टाइम पे आधे मिड टर्म में ही स्कूल बंद हो गए थे, तो उस चक्कर में हमें बड़ा हमें लगा था कि यार हमने इतना सामान तो अंदर पड़ा हुआ है, तो आई थिंक लोग ये भी सोचते होंगे कि उसमें भी पैसे बच जाते हैं। बड़े इजी बड़ा रहता है, ऑनलाइन कर दो, घर पे पूरा पैकेज बन के इतने सोने तरीके से आता है और वही उठा के ले लिया। तो बाकी जी मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी कल हुई है, मैं आपको बताऊंगा, मैं दिल साझा करूंगा, आपने कहा करूँ क्या वो कल मेरे साथ बहुत ही ज्यादा नेहा जी ने गलत करा है, अभी भी मेरा जख्म हरा है, मैं यहाँ पे ऐसे हाथ लगाता हूँ अभी भी दर्द से हो रही है। एक्चुअली ना मेरे साथ जो कल हुआ है ना, एक्चुअली ना मेरा वीक में घर बैठने का नतीजा ये हुआ है कि जस जी थोड़े से नुकसान में आ गए हैं। तो मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये देख लो जी, अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, क्रोसॉन्ट एंड ऑमलेट एंड देन ये ना ये आर्या ने खाया अपना एग टोस्ट, उसकी जो साइड्स बच जाती है ना ये मेरे को बड़ी स्वाद लगती है, ये तो फेंकने लगी थी, मैंने कहा मैं खा लूंगा यार, फेंकते क्यों, ऐसे सारे लेफ्ट ओवर जो होते हैं कभी मेरे लिए कभी जस के लिए होते हैं, हमारे लिए होते हैं। डेटा आई वांट टू शो यू माय पैटर्न। ओके ओके, ये आई वांट्स टू शो यू स्किपिंग द रोप काइंड ऑफ अ थिंग, सो ओके स्टार्ट। वाओ, ये तो बड़ी एक्सपर्ट हुई है यार, लंबी हो जाएगी आर्या। ओके आर्या, देयर इज अ व्यूअर हु हैज अ बर्थडे ऑन द 28th, आई स्टिल डोंट नो व्हेन दिस वीडियो इज गोना बी ऑन, बट कैन यू से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टेक्निकर, शी इज टर्निंग टू, सो वेरी फन एज, शी इज टर्निंग टू, सो हैप्पी बर्थडे टू यू एंड हैप्पी बर्थडे फ्रॉम आवर फैमिली टू यू, टू यू एंड आर्या इज आल्सो टू, आर्या भी टू। नो 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 नो, देन हाउ कैन आई डू स्किपिंग। अच्छा ओके, नो चलिए जी ब्रेकफास्ट करें। ये क्या हो रहा है जस जी? गाइस मैं कॉफी पी रही थी एंड टीवी देख रही थी एंड ये दोनों भागे भागे रही थी, कोई आवाज आ रही थी एंड ये मैं आई, मैंने कहा ये क्या कर रही है, ये देखो ताक झाग लगे हुए हैं। ताक झाग नहीं है, ये नेबरहुड वॉच कहते हैं इसको। यहाँ पे वॉच करना चाहिए कि कोई ट्रक आया, मेरे को लगा नए लोग आए हैं कहीं, आजकल मकान बड़े बिक रहे हैं हमारे यहाँ पे, नया मकान बिका है। हाँ। मैंने कहा कोई नए लोग आए हैं, जरा देखे कौन आया। मैं बता दूंगा आपको कि कल कल नहीं पिछले हफ्ते, एक हफ्ता हो गया आज की तारीख को मिला के, एंड ये जो इंसान है ना सोफे पे, इन्होंने आज तक घास नहीं फेंकी जो कटी थी पिछले हफ्ते। हाँ अभी मैं वेट कर रहा था छुट्टी वाले दिन आर्या के साथ जाना है मेरे को, बस बहाना कितना तेज, कितनी जल्दी बहाना मिलता है ना, जस्ट मैं वेट कर रहा था, मैं कल जाने लगा था, फिर मेरे को लगा नो आर्या लाइक्स टू गो, सो आई विल टेक आर्या। आपको ये क्वेश्चन भी था कि यहाँ पे आप नेबर्स को अपने कोलियन कोई सब्जी देने जाते हैं? यहाँ नहीं होता वैसा, वैसा नेबर को कोई लेना देना नहीं, आप क्या खा रहे हो, आप नेबर के बच्चे को चॉकलेट भी नहीं कर सकते ऑफर, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि पता नहीं उसको क्या रिएक्शन हो, कुछ एलर्जी हो, तो आप ना वो सब इंडिया वाली बातें यहाँ नहीं होती कि सब्जी बनी है आज, चोले बने नहीं आज, कोली दे आते कोली ले आ, ये सब नहीं होता भाई साहब। और अब मैं आपको इसी बात पे बता दूं कि कल मेरे साथ हुआ क्या है, इट्स अ वेरी ट्रेजिक स्टोरी। सो जैक इज वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, सो ही इज नाउ रिटायर्ड बट ही हैज अ लिटिल बिजनेस, तो मैं उसका GST रिटर्न फाइल करता हूँ, बिकॉज यू नो आई एम अ बुक कीपर, राइट, सो आई डोंट चार्ज एनी मनी फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू मी, आई हैव like learned a lot from him, uske sath hamara alag hi relation, but he came and he gave me $100 Costco gift card, I told it to mamma that I got a $100 gift card, ab isne mere ghar aane tak $100 kharch kar diye mere taraf se, and guys maine wo pata kis pe kharch kare, just badly needed clothes, theek hai, aur just pehnta hai sirf Costco ke kapde, theek hai, क्योंकि इसने $100 के कपड़े सारे मेरे लिए ले लिए, $100 मैंने ऑनलाइन करे, मैं जस्ट का क्लोथिंग हॉल आपको दिखाऊंगी, इसे जस्ट ने 2-2.5 साल हो गए समर के कपड़े नहीं लिए थे, तो मेरे को नहीं जरूरत ऑफिस में पहनने के लिए कपड़े, तो ले लो 5-6 जोड़े अपना टी शर्ट, हर सीजन ले लेनी चाहिए, फिर बन जाते हैं कपड़े। यार आप लोगों ने देखा ही है मैं ऑफिस में माड़े कपड़े पहनते हैं, जो है ठीक है चल रहा था चंगा बोला, देखो जी इतनी जल्दी डिसीजन हुआ है मेरा, इतना मतलब दिमाग खराब हो गया, 2 घंटे में मैं घर आया, पैसे लग चुके थे, इतनी जल्दी मैं कभी खर्चा नहीं करता, मैं 3-4 दिन सोचता हूँ, 5वें दिन डिसाइड करता हूँ क्या करना है, तब तक वो सेल से हट चुकी होती है या आउट ऑफ स्टॉक हो चुका होता है सामान में, गुड थिंग गाइस या नहीं आप कमेंट डाउन बिलो करके मेरे को बताएं। तो कहने को कपड़े मेरे लिए आए हैं, मेरे को नहीं पता मेरे लिए क्या आए हैं। कल एक और बहुत ज्यादा इंसिडेंट हुआ हमारे मार्टिन्सविल में, और वो ये था कि हमने पहली बार इतने सालों में होम डिलीवरी मंगाई, ऐसा है हमने लास्ट टाइम डिलीवरी कराई थी आर्या के बर्थडे पे, हमने पार्टी करी थी जब, तो पिज्जा मंगवाया था फैमिली पिज्जा से, उसके बाद वो भी बहुत आज से तकरीबन इसका फर्स्ट के सेकंड बर्थडे था, आई थिंक सेकंड बर्थडे था, हाँ।
तब की बात है उसकी। मैं कभी बिलीव नहीं करता कि मैं डिलीवरी कराऊं, लेकिन कल इन्होंने, इनको पता चला कि मैकडॉनल्ड का टाई अप हो गया है डो डैश से, जो मार्टिन्सविल की फूड डिलीवरी ऐप है। यहाँ पे आपको बताया ना उबर ईट नहीं चलता, स्किप द डिश नहीं चलता, तो डो डैश चलता है। कल इन्होंने डो डैश से आइसक्रीम मंगा दी मैकडॉनल्ड से, दो आइसक्रीम मंगाई एंड उसकी क्लिप आपकी डाल देंगे। वी वर सो एक्साइटेड कल, हमने लगा यार मार्टिन्सविल में भी अब एक एक चीज आ रही है, वो भी फ्री डिलीवरी। वो देखना क्लिप आप इसके बाद। आंटी जस जी, हमें नहीं समझ आ रहा क्या हुआ है। मैकडॉनल्ड से आज पहली बार गाइस, पहली बार डिलीवरी आई है। हमें नहीं पता, खाना खा के मैं उठाऊं मेरे मुंह से मुंह निकल गया कि मैं यार नेहा मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम खानी है। इसने डो डैश पे आजकल हो गया शायद, लोगों के घर दुनिया में आते हैं रोज डिलीवरियां, बट हमारे घर पहली बार फूड डिलीवरी आई है। मेरे को लगता है मैं खुद जाके ले आता हूं। पॉजिटिव वे, फ्री डिलीवरी थी। फिर चलो खाओ पियो अब फिर सोएंगे। ये आई है हमारी दो आइसक्रीम्स हैं, नट्स हैं। कैन आई प्लीज गेट द आया, कैन यू प्लीज वेट फॉर हेवन सेक, माय नट्स आर फेवरेट एंड डैडस आइसक्रीम। नेबरहुड वॉच करके नाउ वी आर गोइंग डाउनस्टेयर्स, लेके चलते हैं आपको बेसमेंट में। गर्मी बहुत ज्यादा है, बेसमेंट ठंडी होती है, बड़ा मजा आता है बेसमेंट में ना गर्मियों में। सो अब नीचे जा रहे हैं तो शायद मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़ा टीवी देखने को मिल जाए हमारा। ये देख रहे हो आप सामने, ये पूरा मेरा प्लेइंग एरिया, ये मेरा प्लेइंग एरिया है पूरा, ये मेरा प्लेइंग एरिया है, ये मेरा टेंट है जो मैं लाया था हैदराबाद के आइकिया से। ये हमारी ब्यूटीफुल बेसमेंट है गाइस, आपने पहले देखी हुई है वैसे तो कई बार, नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, हमने बेसमेंट का टूर बनाया था। अब कहाँ नेहा जी, कहाँ है नेहा जी, कपड़े धो रही हैं जी। ये हमारे वॉशर ड्रायर देख लें आप, वैसे देखे होंगे आपने, सैमसंग के हैं। लास्ट बैच ऑफ माय कपड़े, तूने ऑन करना मैंने करना, फिर आप मेरे पीछे पड़ जाते हो। पावर पावर है, कोल्ड है, मीडियम पे चलाना है, एंड स्टार्ट कर दो बस। ये मेरे बिन तो फिर से करवाती है ऑफ करके, अब बस ये डले हुए कपड़े। हो गया ऐसे नजर आता है इधर से, मैंने आज तक नहीं कपड़े धोए इसमें। ये हमारा गेस्ट बेडरूम है। ये क्या खजाना है? ये देखो हमारे सारे गिफ्ट बैग्स हैं। वाह, ये देखो, ये जो घरों में गिफ्ट आते हैं तूने सेव करा हुआ है सारे? नहीं नहीं, ये गिफ्ट बैग्स मैं खरीदती रहती थी, कोई आते थे आया के बर्थडे पे, कोई देता था, तो ये सारे सारा उसका बटा रहे। ये ना आया की मैडम का, मैडम को देना है। अच्छा, जो लास्ट आया की टीचर है उसको गिफ्ट, उसके लिए गिफ्ट बैग लेने आया। ये कोई भी नहीं देने देती किसी को। ये मेरी वो भी है ना, सीजनल अलमारी है, सर्दियों के कपड़े भी। कोई ना बाहर निकल रहा है चुप चुप थी, लेकिन मैंने बोला कि येलो लाइट बदल दो, लाइट फिक्स्चर और व्हाइट कर दो, बट किसी को कोई असर नहीं हो रहा। हू इज बिहाइंड द कैमरा राइट नाउ, जितना मर्जी कर लो, जीरो रिटर्न है, जीरो। ये तो मेरा डायलॉग है, जीरो रिटर्न। मतलब मैं इतना, मैं ना रात को सपने में भी मैं काम ही कर रहा होता हूँ, और इसको वो भी सपने में काम हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रियलिटी में तो होता नहीं। अच्छा, ये देख लो जी, अब ये पैकिंग, अब ये पैकिंग शुरू होने वाली है। टीचर के लिए इन्होंने क्या लिया है ये देख लो गाइस, ये मैंने कस्टमाइज कराया था। इसकी टीचर का नाम जो है वो मिसेस आर, उनका फर्स्ट नेम इनिशियल है, एंड थैंक यू 2021। Beautiful. तो उनको याद रहेगा, साथ में स्ट्रॉ है तो पानी तो पीता ही है हर कोई, या फिर कोल्ड बेवरेजेस डाल लेगी वो। तो ये मैंने बनवाया था किसी से लोकली, तो एक तो सपोर्ट लोकल जरूर करना चाहिए। तो बस ये पैक करते हैं, वंस दे आर डन पैकिंग हम आपको बाहर लेके चलते हैं, थोड़ा प्लांट वगैरह दिखाएं, तब तक मैं थोड़ा टीवी एंजॉय करें। तो जी ये टीचर के लिए, आइया की टीचर के लिए गिफ्ट पैक हो गया है, आइया के लास्ट डे के लिए। एंड अब आइया कार्ड लिख रही है टीचर के लिए। ये आपका पेन तो बहुत अच्छा है, ये कहाँ से लाए हो आप? आई एम नॉट टेलिंग यू। ओके, $25 का पेन है जी, $25। भैया नेहा की बेटी है, नेहा की बेटी है, नेहा ने तो कभी नहीं बढ़ते इतने महंगे महंगे पेन। ऐसे ही होता है, नेहा फर्स्ट जनरेशन स्ट्रगल करती है, सेकंड जनरेशन ऐश करती है, ये तो थर्ड जनरेशन है। क्लियर से लिया गया भाई, क्लियर से। चलो पपीता कट रहा है जी, मोमेंट ऑफ ट्रूथ है। कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा? बहुत मीठा होगा, हफ्ता हो गया इसको, वो शक्ल से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। देख लो जी पपीता कटते हुए, पपीता कटते हुए देख ले। नहीं पपीते के बीज लगाएगी तो आ जाएंगे पपीते? मैंने कभी लगाया नहीं, मेरे पापा के, हम लोग जब छोटे होते थे ना, मेरे पापा ने लगाया था पपीते का पेड़। यू कांट इवन इमेजिन, हम दे के थक गए थे जस्ट। अच्छा? उसमें फ्रूट खत्म नहीं होता था। अच्छा जी? और ऐसे लपेट लपेट के रखते थे कि पक जाएगा, और फिर एक दिन तो ऐसा हालत हो गया था, पापा ने टोकरी भर के पपीतों की सारी, अपना पापा ने टोकरी भरी और जाके मंडी में दे आए एक बंदे को, वो पापा कहते तू बेच ले भाई, हमें तो चाहिए नहीं। लाइक वी वर सो फेड अप ऑफ, इतना पपीता आता था, दो आई थिंक दो या तीन पेड़ थे हमारे हैदराबाद में। अच्छा? हाँ।
हमेशा ना गाइस हमने आपको अपना गार्डन दिखाया पीछे, वो तो अभी आज हम आपको आगे का दिखाते हैं। आगे तो दिखा जरा थोड़ा सा टूर दे। चलो फिर चलो आगे का टूर। आके काट लियो, दो मिनट के लिए आ जा। मैं तो आई जस्ट नीड रीजंस टू कम आउट इन माय गार्डन। नहीं लेकिन ये मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है, मैं फ्रंट से आता नहीं हूँ और मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतने ये सब कैसे आ गया, कब आया था ये। ओ माय गॉड, ये क्या क्या है? तो ये है लाइलियक। तो और ये क्या है, ये क्या क्या है, और ये कौन, ये कब आए थे हमारे? तो मेरे को पता ही नहीं कब आया ये सब। कोई बात नहीं, द ग्रास हैज बीन ग्रोइंग। पता क्यों करना है, आप बस देखो, एंजॉय करो। जर्जी, ये नया जी पानी देती हुई, आज गर्मी बहुत है। हमने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन भी ये देखो, आप ये देख रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ये, जब स्प्रिंकलर चलते हैं सुबह चलता है ये। हाँ, लेकिन बहुत कम रह जाएगा आज पानी ना इनको। ऑन अ गुड विंडी डे तो ठीक रहता है, या ठंड जब हो तो। ये हमारे फ्रंट के प्लांट है, फ्रंट में हमने आपको कभी नहीं दिखाया, तो ये हमारे सारे फ्रंट के प्लांट्स हैं गाइस। कोई पूछ रहा था कि आपने ये गार्डन ऑर्नामेंट्स कहाँ से लिए हैं और ये आपने क्यों लगाए हुए हैं? ये वाले, ये इसका कोई रीजन नहीं है, ये तो बस ऐसी दे ऐड अ लिटिल कैरेक्टर टू द गार्डन, बस सुंदर। अच्छा, लगता है। कौन सा कैरेक्टर? वहाँ भी है, यहाँ क्या रखा हुआ है यार, मेरे को तो पता ही नहीं है सच में सब कहाँ कहाँ प्लांट्स है। कहाँ नहीं, तेरे को कितना टाइम लगता है पूरे घर के प्लांट्स को पानी देने में? आई थिंक एक घंटा लग जाता है। ये देखो यहाँ भी है, यहाँ भी प्लांट है। कितने सारे प्लांट्स हैं मम्मा के पास? प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं, एंजॉय करो ब्यूटी। तो जी गाइस, वी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स, स्टे रॉक, स्टे बर्ड, स्टे मम्मा, स्टे डैडा, स्टे आर्या, स्टे प्लांट्स, स्टे ग्रास, बाय, स्टे प्लांट्स।